प्रधानमंत्री बना दो तो देश का नक्शा बदल दूंगा। इस दावे को मजाक समझकर हंसी में उड़ाने से पहले ये मत भूलिए कि मोदी जी पिछले एक साल में सैकड़ों बार देश का इतिहास भूगोल दोनों बदल चुके हैं। देश को बदलने का दावा करने से पहले मोदी जी देश के बारे में थोड़ा बहुत जान भी लें तो बेहतर होगा। आपको दिखाते हैं मोदी जी के सामान्य ज्ञान के कुछ नमूने, जिसे देखकर आपको मोदी के ज्ञान और उनके दावों दोनों का सच पता लग जाएगा। प्रधानमंत्री जी, मेरी गुजरात की मिट्टी के सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विद्वान थे। विवेकानंद जी उनके साथ वार्ता करते थे, स्वामी दयानंद सरस्वती उनसे वार्ता करते थे, लोकमान्य तिलक उनका मार्गदर्शन में संपर्क बनाए रखते थे। मोदी जी ने जो कहा उसकी हकीकत तो आप समझ ही चुके होंगे, अगर ना समझे तो हम आपको बताते हैं। मोदी ने कहा कि उनकी गुजरात की धरती के सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जबकि हकीकत ये है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी गुजरात के नहीं पश्चिम बंगाल के थे। मोदी के मुताबिक स्वामी विवेकानंद जी श्यामा प्रसाद मुखर्जी से बातचीत करते थे, जबकि हकीकत यह है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 1901 में हुआ था, वहीं विवेकानंद जी का निधन 1902 में हो गया था। अब ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ एक बरस की उम्र में ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वामी विवेकानंद से बातें करने लगे हों? खैर, एक और नमूना भी देखिए। मोदी ने स्वामी दयानंद सरस्वती और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की दोस्ती का भी जिक्र किया, जबकि हकीकत यह है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन 1883 में ही हो गया था। बस इतने में ही हैरान मत होइए, जरा मोदी जी के आगे का भाषण भी सुनिए। और लंदन में अंग्रेजों के नाक के नीचे इस गुजरात के सपूत ने इंडिया हाउस का निर्माण किया था, और मदनलाल धींगरा ने कर्नल वायली का को मारने का काम उस इंडिया हाउस में किया था। हिंदुस्तान में क्रांतिकारियों के वो गुरु माने जाते थे। भाषण की अगली लाइन में ही मोदी का ज्ञान गच्चा खा गया। मोदी जी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कहने पर ही मदन लाल ढींगरा ने लंदन में कर्नल वायली को मारा था। वैसे ये बात सच है कि क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने ही कर्नल वायली को मौत के घाट उतारा था, लेकिन मदन लाल ढींगरा ने कर्नल वायली की हत्या 1 जुलाई 1909 को की थी, यानी उस वक्त जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिर्फ 8 साल के थे। अभी तो और हंसना बाकी है, क्योंकि भाषण का अगला हिस्सा तो और भी मजेदार है। 1930 में उनकी मृत्यु हुई, और मरते समय उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि मेरे अस्थि जो है उसको संभाल के रखा जाए, लेकिन देश जब आजाद हो तब मेरे अस्थि आजाद हिंदुस्तान में ले जाए, ताकि मैं जो भारत आजाद भारत की सांस लेना चाहता था जीते जी नहीं ले पाया, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरे अस्थि को आजाद हिंदुस्तान की हवा का रुख का पता चले, इसलिए ये मेरे अस्थि संभाल के रखे जाए, देश आजाद होने के बाद उसे ले जाया जाए। 1947 देश आजाद होने के बाद पंडित नेहरू का पहला काम था कि कोई प्रतिनिधि को भेज करके देश के लिए जीने मरने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस अस्थि को हिंदुस्तान ला देते, नहीं किया। वैसे अब आप चाहे तो हंस सकते हैं, और अगर अब भी हंसी नहीं आई तो भाषण के इस हिस्से की असलियत सुनकर जरूर आएगी। मोदी जी ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन 1930 में हुआ था, वो भी लंदन में, और आजादी के बाद भारत सरकार उनकी अस्थियां तक नहीं ला पाई। अब जरा असलियत भी सुन लीजिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन 1953 में हुआ था, वो भी लंदन में नहीं कश्मीर में। अब आप ही सोचिए, चले हैं देश के पीएम बनने, लेकिन देश के इतिहास का ही
पता नहीं।